काली पूजा में सिर्फ एक दिन बाकी है। जब पूरा भारत प्रकाश का उत्सव दिवाली मनाता है, तब कोलकाता में माँ काली की पूजा होती है। नदी किनारे बसी कुम्हारों की बस्ती कुमारतुली में कारीगर अपने हफ्ते भर की मेहनत को आखिरी रूप दे रहे हैं। यहाँ के कारीगरों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना खानदानी पेशा रहा है, मगर बिभाष को अपने इस जुनून के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरा पिताजी उसका विरोध था, क्योंकि ब्राह्मीन का काम होता है पूजा करना, ब्राह्मीन का काम मूर्ति बनाना नहीं। 97 से मैंने ये प्रोफेशन में आया, बहुत बार झगड़ा हुआ उनके साथ। पहली बार मूर्ति बनाया, उस बार मैंने मूर्ति मेरा तोड़ दिया था मेरा पिताजी ने। उसी से मुझे खटका लगा कि इसमें क्या है जो तोड़ दिया है। हमने भी ठान लिया कि हम तो ये बना के ही छोड़ेंगे। काली का जो रूप है वो नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर रहा है और पॉजिटिव को बिखर रहा है। जो निगलेक्टेड होता है वो बाद में सिलेक्टेड होता है। आज अगर वो जिंदा होते तो मेरे को एक बार शाबाशी देते। अब ये मूर्तियां यहां से अपने अपने शानदार पंडालों में जा रही हैं, वहीं इनकी पूजा होगी। मगर शहर में ही कहीं और कुछ नए कलाकार देवी को आज का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल, एक्ट्रेस, डिजाइनर शुभा केनवर्दी ने खुद को साबित करने की कई नाकाम कोशिशें की, फिर उन्होंने सोचा कि माँ काली को अगली पीढ़ी के लिए बनाया जाए। When I was 21, 22, तब मैंने मेरी फर्स्ट पेंटिंग मैंने तब की थी, वो काली की ही थी। मेरे आर्ट का थीम एक ही है, वो काली है, और स्टाइल बदलता रहता है। मैं अपनी काली को अपने आर्ट के लिए ट्रेडिशनल और वो पुराने ज़माने की गॉडेस से निकाल के एलियन लुक दिया, ताकि काफ़ी यंग जो लोग हैं वो लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाए। काली इज़ अ गॉडेस हु इज़ फ्री ऑफ शेम, एंड वो जो उनकी टंग निकली है वो काफ़ी सारे माइथोलॉजी में उनके मीनिंग्स हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीनिंग है शी इज़ मॉकिंग द सोसाइटी। वो ये बोल रही हैं कि आप लोग सब क्यों बंधे हो, व्हेन एक्चुअली द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर टू बी फ्री। काली ने माइथोलॉजी में जिस डीमन को स्ले किया था, आज के ज़माने में देखा जाए तो वो डीमन स्टिल एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ रेप, सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। अभी आजकल के ज़माने में काली को प्रे करो या ना करो, लेकिन काली डेफिनेटली बन जाओ, बिकॉज हमारे सबके अंदर ही वो काली की पावर है। और अपने अंदर की शक्ति से उन बुरी शक्तियों को हराना ही काली पूजा का असली मकसद है। दक्षिणेश्वर, गाथा महाकाली की।